कोरोना के सामने ड्रैगन भी लाचार, दो महीने बाद भी चीन में हाहाकार। कातिल कोरोना से कांप रहा ड्रैगन, चीन के कई शहरों में कोरोना का कर्फ्यू, करोड़ों की आबादी अपने घरों में कैद। दुनिया पर छाई है वायरस की दहशत, कोरोना का स्कोप बनता जा रहा महारोग। महामारी के साथ आई अफवाहों की बारी, कोरोना को रोकना है। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की खास पेशकश कोरोना को रोकना है। मैं हूं आपके साथ जब्बार खान। साल 2020 की शुरुआत महाशक्तिशाली देश चीन के लिए खराब हुई। पिछले दो महीने से चीन की सेहत बुरी तरीके से खराब ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब है। हजारों लोग अस्पताल में हैं तो 2000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और वजह है कोरोना वायरस। लगातार कोरोना वायरस से चीन में मौतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इससे संक्रमित लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। चीन से चला कोरोना पूरी दुनिया के लिए खौफ है। चीन के कई शहरों में सन्नाटा छाया हुआ है, कोरोना को हराने की कोशिश जारी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कोरोना को हराना है। चीन में कोरोना को और इसका खौफ क्या है, इस बात से समझा जा सकता है चीन के कई शहरों में खामोशी है। जिन शहरों में 24 घंटे हलचल होती थी वहां पर सन्नाटा है। चीन में कोरोना को मारने की हर संभव कोशिश हो रही लेकिन सफलता अभी दूर, बहुत दूर है। मौतों का आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है। हालांकि पहले से कुछ सुधार जरूर है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यही वजह है कि चीन के शहरों में वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। कोरोना के कहर से चीन में हाहाकार, कोरोना के सितम से चीन में कोहराम। कोरोना का कैसे मिटेगा नामो निशान, कोरोना को अब हर हाल में है रोकना। 2020 की शुरुआत से ही चीन में कोरोना वायरस का महाप्रलय जारी है। कोरोना से चीन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जो चीन इस दुनिया में महाशक्तिशाली है वो चीन कोरोना के सामने अब तक बेबस है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोरोना का असर अब चीन में थोड़ा कम जरूर हुआ है लेकिन कोरोना का डर अब भी बरकरार है और ये डर सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। एहतियात अधिकतर देशों में कोरोना को लेकर अलर्ट है जिसमें भारत भी है, लेकिन चीन में कोरोना का अंत कैसे होगा, कैसे कोरोना को रोका जाए, ये अब तक अबूझ पहेली है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए चीन में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक चीन के कई शहरों में लोगों पर अघोषित पाबंदी है। ये पाबंदी क्या है, क्यों लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा, लोगों को चीन में किस तरह से कैद रखा गया, ये सब आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं चीन में किस तरह से कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 75,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 74,000 से ज्यादा लोग तो सिर्फ चीन में ही हैं। इस जानलेवा वायरस की वजह से चीन में मौतों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि इन सब के बीच खबर ये भी है कि कोरोना वायरस से हर दिन मरने वालों की संख्या पिछले 5 दिनों से 98 रही है, जबकि पिछले 1 महीने से ये 100 के ऊपर थी। 12 फरवरी को तो अकेले 248 मौतें हुई थी। इस खबर से दुनिया भर के लोगों में कोरोना का डर थोड़ा कम जरूर हुआ लेकिन इतनी जल्दी कोई उम्मीद पालना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वायरस कभी भी ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से सिर्फ लोग मारे जा रहे हैं, अब इस बीमारी से करीब 14,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके चीन में हालात अभी भी
पत्थर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण चीन में करीब 15 करोड़ की आबादी पर सरकारी पाबंदी है। लोग अपने घरों से कितने दिनों में और कितने देर के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। घर से बाहर निकलने पर उनके शरीर का तापमान चेक होता है, डॉक्टर चेक कर एक प्रमाण देता है, फिर परिचय पत्र दिखाना होता है, तब कोई सोसाइटी से बाहर अपने पड़ोस में जा पाता है। एक समय में घर से एक ही आदमी बाहर जा सकता है, वो भी रोज नहीं। कोरोना वायरस के चलते बिजनेस पर जो असर पड़ा वो चीन के अलावा भारत सहित कई देशों के अलग अलग सेक्टरों को प्रभावित करने लगा है। दवा की भी कमी होने लगी है, खास तरह के गाउन की कमी होने लगी है जिसे पहनकर मेडिकल वर्कर मरीज के नजदीक जाते हैं। जापान में सर्जिकल मास्क की कमी होने की भी खबर है। इस वायरस को 2 महीने हो चुके हैं लेकिन कोरोना वायरस के फैलने की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट अभी ये पूरी तरह से पता नहीं कर पाए कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है या सांप से या फिर किसी और जानवर से, लेकिन ये बात पुख्ता है कि ये किसी जानवर से ही फैला है। इसके साथ ही CNN बिजनेस से लिखा है कि चीन के सेंट्रल बैंक में नोट नष्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि नोट के जरिए भी संक्रमण के फैलने की बात सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि कोरोना वायरस यानी जो नया वायरस है वो सामान्य मौसमी फ्लू से 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। पूरी दुनिया में फैल रहे जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर भारत बेहद सतर्क हो गया। देश में दवाओं की किल्लत न हो इसके लिए सरकार एंटीबायोटिक्स, विटामिन और हार्मोन सहित लगभग 12 दवाओं के निर्यात पर बैन लगा सकती है। इस कदम का मकसद भारत में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बरकरार रखना है। हालांकि फिलहाल देश में दवाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन हुबई प्रांत को अगर फरवरी के बाद भी बंद रखा गया तो परेशानी पैदा हो सकती है। बता दें कि भारत दवाओं का 80-85% कच्चा माल चीन से आयात करता है। कोरोना वायरस का खतरा भले ही पहले से थोड़ा कम हो गया हो लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो कर्फ्यू से कम नहीं। ऐसे में कोरोना को अब हर हाल में रोकना जरूरी हो गया, क्योंकि कोरोना से सिर्फ मौतें ही नहीं बल्कि इकोनॉमी भी चौपट होती जा रही है। कोरोना का डर तो लाजमी है लेकिन जिस तरह से कोरोना को रोकने के लिए सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें हैं उस पर ध्यान न दें। आगे हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस को लेकर किस तरह से तरह तरह की अफवाहें हैं और चीन में कौन सा एक नया वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग कह रहे हैं चीन के लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। तो देखते रहिए, कोरोना को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हाँ, कुछ आपको अजीब और गरीब और रोचक तस्वीरें दिखाएंगे चीन में रहने वाले लोगों की, जिसे देख करके आप आश्चर्य में पड़ेंगे और लोग भ्रमित भी हो रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस से चीन में हाहाकार मचा है। वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर कोरोना को खत्म करने की दवा खोज नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई डॉक्टर नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर कोरोना से बचने के लिए तरह तरह के दावे और घरेलू औषधियां बताई जा रही हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। कई ऐसी वीडियोस भी हैं जिनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं लेकिन कोरोना वायरस से जोड़ करके भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इन दावों के पोल हमने इस रिपोर्ट में खोली है, समझिए। सोशल मीडिया पर फर्जी दावों से रहें सावधान। कोरोना के काम तमाम वाले पोस्ट से रहें सतर्क। भ्रामक जानकारियों के भ्रम से बचें क्योंकि कोरोना का खतरा है बरकरार। कोरोना वायरस को लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई इस वायरस को खत्म करने की औषधि बता रहा है तो कोई कोरोना से बचाव के आसान उपाय, तो कहीं पर कोरोना संक्रमण के इलाज के दावे किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं। किस तरह से सोशल मीडिया पर कोरोना को हराने को लेकर फर्जी दावे किए जा रहे हैं इसकी एक एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपको चीन में वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी सोचेंगे इतना कुछ होने के बावजूद
चीन के लोग सुधरते क्यों नहीं? क्यों चीन के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते? अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक शख्स खुलेआम बाजार में जिंदा मेंढक को पकड़कर खा रहा है। पहले वो शख्स मेंढक का सिर दांत से तोड़ता है, इसके बाद मेंढक का दिमाग निकाल कर खा जाता है। खबरों की माने तो चीन में ऐसा माना जाता है कि मेंढक खाने से पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ेगी, इसलिए लोग मेंढक खाते हैं। चीन में ऐसे जीव जंतुओं को आमतौर पर बाजार से खरीदा जा सकता है। जब हमने इस तस्वीर की पड़ताल की तो पता चला ये तस्वीर साल 2016 की है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस बेरहमी के साथ ये इंसान मेंढक को जिंदा ही खाया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई कोरोना वायरस के फैलने से नहीं है, लेकिन चीन के लोगों को समझना होगा कि जानलेवा वायरस जानवर से ही आते हैं और उस पर उन्हें जिंदा खाना खतरे से कम नहीं। चलिए अब आपको कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से बचाते हैं। किसी का कहना है कि लहसुन नमक के पानी और निमोनिया की दवा से कोरोना वायरस मरता है, तो कोई बता रहा है कि तिल का तेल लगाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर वायरल हो रहे ऐसे सच झूठ वाले तमाम दावों का जवाब WHO ने दिया है। WHO ने लोगों को भ्रमित कर रहे कई सवाल चुने और उनके जवाब दिए। तो आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर क्या सवाल वायरल हुए और WHO ने उनके बारे में क्या कहा। सवाल नंबर एक, लहसुन खाने से कोरोना का संक्रमण रोका जा सकता है। WHO के मुताबिक लहसुन खाने से कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, ये बात वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध नहीं हो सकी है। सवाल नंबर दो, तिल का तेल लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है। इस सवाल पर WHO ने कहा कि यह तेल कोरोना वायरस को नहीं मारता। सवाल नंबर तीन, नमक के पानी से संक्रमण से बचाव हो सकता है। WHO के मुताबिक नमक के पानी से नाक धोने से वायरस का संक्रमण रोका जा सकता है, अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। सवाल नंबर चार, क्या एंटीबायोटिक से कोरोना का इलाज संभव है? इस सवाल पर WHO ने कहा कि एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया से बचाती है, वायरस से नहीं। इन अफवाहों के बीच कई और खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अब आइए आपको वो जानकारी देते हैं जिसमें भ्रामक चीजों से आपको बचना है। आंखों में हर्बल आई ड्रॉप डालें, खाने में हींग का इस्तेमाल बढ़ाएं, गिलोय के पत्तों को पीसकर उसका रस छान लें, खाली पेट पिए, मास्क को गर्म पानी में धोने या भाप लगाने के बाद दोबारा पहने। चलिए अब आपको सोशल मीडिया पर चीन का एक और वीडियो दिखाते हैं जो पूरी तरह से गलत है। हाल में ही फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक महिला को कार से खींचकर जमीन पर गिराते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के साथ दावा किया गया कि चीनी पुलिसकर्मियों ने कोरोना वायरस के संक्रमित एक महिला की हत्या कर दी। 1:41 के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक महिला को कार से बाहर खींच रहे हैं। पुलिस वाले महिला को जमीन पर गिराने और उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तभी महिला निढाल हो जाती है। इसके बाद उसे उठाकर पुलिस वैन में ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को लेकर भी जब हमने पड़ताल की तो दावा झूठा निकला। वायरल वीडियो में दिख रही महिला कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। ये वीडियो चीन के हेई लोंग जियांग प्रांत का है, जहां सरकार ने निजी कारों पर प्रतिबंध लगाया था। महिला को कोई नोटिस नहीं मिली थी, इसलिए चीन की पुलिस ने उसे जबरदस्ती हिरासत में लिया। ऐसी तमाम जानकारियां इस वक्त सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर फैलाई जा रही हैं, जिन पर भरोसा बिल्कुल न करें और जो लोग ऐसी बात करें उन्हें भी समझाएं। आगे हम आपको दिखाएंगे कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की हलचल है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये भ्रामक तस्वीरें और भ्रामक जिस तरीके से उसमें दावे किए जा रहे हैं उससे आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। कोरोना वायरस से भले ही दुनिया में खौफ हो, लेकिन भारत में अब सब कुछ ठीक है। कोरोना वायरस से संक्रमित तीनों भारतीयों का संक्रमण खत्म हो चुका है। हालांकि कोरोना को देखते हुए किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही। इन सब के बीच में अयोध्या में मांस की बिक्री पर रोक लग चुकी है, हालांकि अब आदेश वापस ले लिया गया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
चीन समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब चीन में कोरोना का खतरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोरोना का डर लगातार जारी है। इन सब के बीच जहां एक तरफ दुनिया में कोरोना का खौफ है, तो वहीं भारत ने कोरोना वायरस पर बड़ी सफलता दर्ज की है। कोरोना वायरस से संक्रमित तीनों भारतीयों का संक्रमण खत्म हो गया है। केरल में कोरोना वायरस से संक्रमित तीसरे मरीज की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस तरह से भारत में अब कोई कोरोना का केस नहीं है। हालांकि कोरोना को लेकर सतर्कता में कोई कमी नहीं है। कोरोना को लेकर तमाम खबरों के बीच अयोध्या में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया और नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश जारी कर मांस बिक्री पर रोक लगा दी और आदेश में लिखा गया कि नगर निगम क्षेत्र में मांस नहीं बिकेगा। ये रोक अग्रिम आदेश आने तक रहेगी। बता दें, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने ये आदेश 14 फरवरी को जारी किया था, जिसके बाद 5 दिन बीतने के बाद ही 19 फरवरी को फिर से नगर स्वास्थ्य अधिकारी एक आदेश देते हैं, जिसके बाद मांस बिक्री पर रोक हटा ली गई है। साथ ही कहा गया कि चाइना से अयोध्या में आने वाले 7 लोगों को देख रेख में रखा गया था। जांच कराई गई, जिसमें पता चला है कि चीन से अयोध्या में आने वाले सभी लोग स्वस्थ हैं और उनसे कोई खतरा नहीं है। भले ही अब भारत में कोरोना को लेकर कोई मामला नहीं है, फिर भी जब तक चीन से कोरोना का कहर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक राहत की सांस नहीं ली जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहां कोरोना से चीन समेत दुनिया के कई देश परेशान है, वहीं पर भगवान भी इस वायरस से अछूत नहीं है। भगवान भी वायरस की चपेट में आ चुके हैं, कैसे खुद देखिए। कोरोना ने मचाया कोहराम, वायरस की चपेट में आए भगवान। बौद्ध तपोस्थली के बंद हुए कपाट, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से आबाद रहने वाली भगवान बौद्ध की तपोस्थली बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप से वीरान होती जा रही है। चीन से निकलकर दुनिया भर में खौफ फैला रहा कोरोना वायरस श्रावस्ती में किसी को निवाला ना बनाए, इसलिए डेन महाकोल मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की सहमति से बौद्ध की तपोस्थली पर ताला लटका दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, डेन महामंकोल एक विदेशी संस्था द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है और एहतियातन उन्होंने बंद किया हुआ है इसको, क्योंकि श्रावस्ती में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, तो एहतियातन उसको बंद किया गया है। हालांकि कोई कोरोना वायरस की कोई बात नहीं, लेकिन एक एहतियातन उनके द्वारा बंद किया गया। बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए कोरिया मंदिरों की शैली में बना डेन महाकोल मंदिर पवित्र स्थल है। यहाँ चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार से हर साल 2 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए बौद्ध तपोस्थली में स्थित मंदिर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने मुख्य द्वार पर बोर्ड भी चस्पा किया है। प्रशासन का कहना है कि हालात बेहतर होने पर मंदिर का गेट फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि श्रावस्ती में अभी तक कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के लिए प्रशासन द्वारा मठ मंदिरों और होटल्स की निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पर्यटकों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। ये हम लोग मंदिर देखने आए थे, मनीष्टी खुला हुआ है? नहीं, बंद है। ये तो क्यों बंद है? कह रहे हैं कोरोना वायरस के कारण बंद किया हुआ है। मंदिर बंद होने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखी गई। होटल मालिकों का कहना है कि इससे उन्हें खासा नुकसान भी हुआ है। सैकड़ों पर्यटक होटल बुकिंग भी कैंसिल करा चुके हैं। अभी जो कोरोना वायरस से हमारा होटल काफी इफेक्टिव है। अभी तक हमने कम से कम 150 कमरे चाइनीज और सम थाई ये हमने कैंसिल करे हैं, और अभी प्रिकॉशन के रूप में जैसे ही हमारे पास कोई भी फॉरेनर आते हैं तो उनको हम मास्क और बचने के लिए वॉश हैंड और ये सारी चीजें हम उनको बोलते हैं कि आप इन चीजों का फॉलो करें। और एक्चुअली इस सारे अकॉर्डिंग मेरा स्टाफ भी हाइजीन मेंटेन कर रहा है, लाइक वो साफ कपड़े पहन रहे हैं, हाथ हैंड वॉश कर रहे हैं, मास्क भी यूज करते हैं
एज पर रिक्वायरमेंट जब गेस्ट हमारे पास होते हैं। तो उससे बचने बचाव के लिए हमने सारे उपाय जो ट्रीटमेंट के रूप में है, जो सरकार की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं और पूरी एकजुटता के साथ लगे हुए हैं कि इस वायरस से निजात पाया जाए। जितना से ज्यादा हम हाइजीन मेंटेन कर पाए वो हम पूरी तैयारी के साथ और उस पे लगे हुए हैं और कर रहे हैं। चीन में मौत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस के कारण 2000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। श्रावस्ती से नावेद अख्तर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसलिए ऐसी किसी तस्वीर, ऐसे किसी वीडियो से बिल्कुल भी आप भ्रमित ना रहो और इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अभी के लिए इतना ही।